Yes. Good morning. Welcome to India's largest learning platform, Unacademy. Unacademy में आप सभी का वेलकम है. तो आज का जो सेशन आपका होने वाला है वो स्पेशली आपका है. आज हम जो पढ़ेंगे आपका प्रीवियस डे जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं. और दूसरा चीज़ है कि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करने वाले हैं. तो वो टॉपिक्स क्या है वो भी हम आपको बता देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे. यस, तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. बिल्कुल, लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम चैनल जो है जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. आगे देखते हैं. तो यहाँ पे जो है आपका प्रिपरेशन जो होगा वो आपका जो है बीपीएससी 66 बीपीएससी मेंस के लिए आपकी जो स्पेशल बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रही है. यस, 66 बीपीएससी मेंस के लिए स्पेशल बैचेस जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है. इसी के साथ ही आपका जो है 67 बीपीएससी का प्री प्लस मेंस की बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रही है. और कौन कौन से एडुकेटर्स आपकी क्लासेस लेंगे ये भी आपको समझ में दिख रहा होगा. तो ये सारे टॉप एडुकेटर्स है जो आपकी क्लासेस लेंगे. बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके देखिए स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो जो कि हिंदी मीडियम में होगी क्लास आपका जो है कवर किया जाएगा. और बिहार दरोगा का भी आपका स्पेशल क्विज हुआ था 3rd to 5th December को. तो इस तरह की क्विजेस अगर आप करना चाहते हो अटेंड, तो आप जो है इस तरह की क्विज के लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन बस लेना है. अब वो क्यों लेना है और क्या क्या फायदे होंगे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के वो हम आपको बता देते हैं. तो सबसे पहले तो आप ये बैच के बारे में देखिए. तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको जो है ये बैच आप देख पा रहे हो, विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच, इस बैच को आप कर पाओगे. यस, गुड आफ्टरनून. तो इस बैच को आप कर पाओगे. ठीक है, यस. इसी के साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो है प्री एंड मेंस का कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है. टॉप एडुकेटर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी. रिवीजन लैंग्वेज जो है यहाँ पे हिंदी होगा आपका इस बैच का. रिवीजन के लिए पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे आपको एंड क्विज जो है वो भी आपको मिलेगा. बिल्कुल, और इसी के साथ ही अगर आप देखो तो प्लस एंड फ्री क्लासेस का डिफरेंस अगर आपको समझना हो तो इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है. डिफरेंस ये है आपका कि यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स, अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे एंड डाउट्स जो है आपके सारे डाउट्स भी आपके टॉप एडुकेटर्स के थ्रू जो है क्लियर होंगे. इसी के साथ ही अगर आप बात करो किस तरह से आप सब्सक्रिप्शन लोगे, तो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा देन गेट सब्सक्रिप्शन. जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जाते हो तो आपको जो है बिल्कुल तो ये सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको. और प्राइस के ऊपर अगर आप चाहोगे तो प्राइस जो है आपका 12 मंथ्स का अगर आप लेते हो सब्सक्रिप्शन तो 8800. यस, 8800 जो है 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे है. और ये अगर इसमें भी आप और कम चाहते तो यहाँ पे रेफरल कोड आप यूज करोगे SHIPRA. इस कोड को जैसे ही आप यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है. बिल्कुल, और इसी के साथ ही अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो फ्री क्लासेस देखने के लिए भी आपसे कोड मांगा जाता है. तो वहां पे भी आप जो है ये कोड SHIPRA ये डाल सकते हो तो फ्री क्लासेस भी आप इजीली देख पाओगे. ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका इस तरह से बैच सिलेक्ट करोगे फिर आप उसके देन आफ्टर क्लास आप इस तरह से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर पाओगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड कर पाओगे, वीकली क्विज आप अटेंड कर पाओगे. तो आज की जो टॉपिक्स होंगी वो लिस्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी यूजेस के ऊपर होगी और रिवोल्यूशंस और उनके फादर कौन थे इनके ऊपर होगी आज की जो टॉपिक्स होंगी. उससे पहले हमारा जो है हम आपका जो प्रीवियस डे का क्लास जो हुआ था उसके ऊपर बेस्ड जो है आपका क्वेश्चंस जो है वो पूछेंगे सबसे पहले. ठीक है, तो प्रीवियस डे बेस्ड क्लास, प्रीवियस डे की जो क्लासेस हुई थी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है हम आपसे पूछेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विटामिन बी वन अगर हम आपसे पूछे विटामिन बी वन का नाम क्या है इसमें से, तो ये जो हमने प्रीवियस डे आपको बताया था तो विटामिन बी वन का अगर हम नाम पूछे रेटिनॉल, स्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेमिन या थायामिन, तो विटामिन बी वन ए बी सी डी में आपका आंसर क्या है. क्वेश्चन वन का आंसर जो भी आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आंसर को. विटामिन बी वन, विटामिन बी वन का अगर हम केमिकल नेम पूछे आपसे तो बताइए विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या होगा.
टाइम अप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो विटामिन बी वन का जो केमिकल नेम होगा वो होगा आपका थायामिन। ठीक है, थायामिन जो है ये विटामिन B1 का केमिकल नेम हो जाता है। यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन आयोडीन। इनमें से कौन सा फूड आइटम है जिसमें आयोडीन मिलता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि राइस, एप्पल, सी फूड या ऑरेंज, इनमें से कौन है जिसमें आयोडीन मिलता है, सबसे ज्यादा आयोडीन रिच फूड है। सी, ओके, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। सी फूड जो है ये आयोडीन रिच फूड होता है। आपको पता होगा कि सॉल्ट वगैरह है ना, तो यस इसी में आयोडीन ज्यादा मिलता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी फूड आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B2 या विटामिन ए? रतौंधी जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसकी कमी के कारण होती है या किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है? डी, ओके। टाइम अप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए, यस बिल्कुल, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉट मे बी द कॉज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। अगर हम बात करें कि थायरॉयड ग्लैंड का जो फंक्शन जो है वो सही से नहीं चलता है, वो किसकी वजह से, किसकी कमी के कारण होता है? आयरन के, विटामिन सी के, आयोडीन के या फिर कैल्शियम के? तो किसकी कमी के कारण जो थायराइड ग्लैंड होता है वो अफेक्ट होता है, यानी कि उसका फंक्शन जो होता है वो अफेक्ट होता है। सी, ओके। टाइम अप। तो अगर हम बात करें तो माल फंक्शनिंग जो है थायरॉयड ग्लैंड का, अगर हम बात करें तो थायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो किसकी वजह से? आयोडीन। और आपको पता होगा कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है वो क्या होता है आपका, यस गुड आफ्टरनून अंशु, गॉइटर, है ना, गॉइटर जिसे घेंगा बोला जाता है। तो ये बीमारी जो है आपकी आयोडीन की कमी के कारण होती है, जो आपका थायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो सूज जाता है ना। तो यस आयोडीन की कमी के कारण जो है, यस बिल्कुल सही, आयोडीन की कमी के कारण हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड होता है वो फंक्शन जो होता है ठीक से नहीं कर सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा बताइए, विटामिन B12 इनमें से किसमें सबसे ज्यादा मिलता है? इनमें से किसमें सबसे ज्यादा विटामिन B12 मिलता है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑरेंज से, मिल्क से, एप्पल से या कैशू नट, यानी कि काजू। कैशू नट का मतलब होता है काजू। तो बताइए, संतरा, दूध, सेब या फिर काजू? तो इसका आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12? इनमें से किसमें विटामिन B12 पाया जाता है? सी, ओके, सी। टाइम अप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो विटामिन B12 जो है सबसे ज्यादा, अगर बात करें तो यहाँ पे आंसर होगा बी, मिल्क। ठीक है, मिल्क में विटामिन B12 जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। जेरोफ्थाल्मिया, जो बीमारी है ये किसकी कमी के कारण होती है? ठीक है,
ऑफ थालमिया, ये जो बीमारी है ये किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? ये आपको बताना है, जेर ऑफ थालमिया जो है ये किसकी कमी से होती है? जेर ऑफ थालमिया। आज हम लोग और दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यस। और कल आपके यूट्यूब क्लास में जो है हम SI का पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो पूरा फुल सेट पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगी, तो कल का क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। ए, ओके। जेरोथर्मिया ये किसकी कमी से होती है? टाइम अप। तो अगर हम बात करें जेरोथर्मिया की, तो ये है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी के कारण। बिल्कुल सही। टाइमिंग, कल की टाइमिंग सेम होगी, 12 PM, ठीक है? और आज आपकी 2 PM पे, आज 2 PM पे जो है आपका ऐप पे क्लास है, ठीक है? SI का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा ऐप पे, ठीक है? 2 PM पे आई ऐप पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा, और वीडियोस को देखने के लिए कोड यूज कर लीजिएगा। अगर कोड मांगता है तो इस कोड को आप यूज, फ्री वीडियोस देखने के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हो 2 PM पे। उसके बाद 6 PM पे BPSC का पेपर सॉल्व होगा, एंड उसके बाद 8 PM पे करंट अफेयर्स होगा दिसंबर का, ठीक है? पढ़ के आइएगा दिसंबर का करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे आंसर विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मसल बिल्डर? इनमें से किसको मसल बिल्डर बोला जाता है, ठीक है? जो मांसपेशियां होती है उसको बनाने में मदद करता है, इनमें से क्या? विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? बताइए इनमें से क्या है मसल बिल्डर? कॉर्ड्स। डी, ओके। डी, यस, बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट आंसर इज डी। याद है दो टाइप की फूड बोली जाती है, एक बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड, है ना? एक बोलते हैं एनर्जी गिविंग और दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग, है ना? बॉडी बिल्डिंग, अगर हम बात करें बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन ड्रिंक्स दी जाती है ना हमेशा? यस। तो प्रोटीन, ठीक है? मसल बिल्डर या बॉडी बिल्डर के लिए जो होता है वो प्रोटीन होता है, एनर्जी के लिए होता है आपका फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग कहलाता है, प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको मैच करना है, ठीक है? अब आपको बस ये बताना है, जैसे ए वीक साइट यानी कि कमजोर दृष्टि का किसकी कमी से, एनीमिया किसकी कमी से, स्किन प्रॉब्लम किसकी कमी से, और ब्रेकिंग ऑफ बोन्स यानी बोन्स जो होती है वीक हो जाती है वो किसकी कमी से। बस ऐसे लिख दीजिएगा, सीक्वेंस में लिख दीजिए, ABCD ये सीक्वेंस में है ना, बस आप इसका सीक्वेंस लिख दीजिएगा। जैसे ए का क्या होगा, जो भी होगा, जैसे मान लीजिए ए का 3 होगा, तो आप पहले 3 लिखेंगे फिर 2 1, इस तरह से। तो टाइम हम आपको दे दे रहे, तो बस इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सीक्वेंस में, ठीक है? अभी तक आपने ढूंढी लिया होगा आंसर, तो इसका बताइए सिम्टम्स एंड कॉज। कोड पूछ रहे थे तो कोड यूज करना है आपको SHIPRA, ठीक है? SHIPRA, इस कोड को यूज करना है। फ्री क्लासेस देखने के लिए भी अगर आपसे कोड मांगेगा तो आप इस कोड को यूज कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो भी आप इस कोड को यूज कर सकते हो। चलिए इसका आंसर बताइए। और वीडियो को लाइक सब लोग जरूर कर दीजिएगा, लाइक करने का मतलब आपका अटेंडेंस। आंसर नहीं आया अभी तक किसी का, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। टू थ्री वन फोर, ओके। चलिए देखिए, वीक साइट यानी आंखों में, अगर आईज अगर कमजोर हो, दृष्टि कमजोर हो, तो वो होती है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो आपका होता है, ठीक है? एनीमिया, अगर हम एनीमिया का बात करें तो एनीमिया क्या है आपका? आयरन का डेफिशिएंसी है ना, आयरन की कमी से आपका एनीमिया होता है, ठीक है? तो बी का हो गया 1। स्किन प्रॉब्लम का अगर हम बात करें तो स्किन प्रॉब्लम विटामिन B2 की कमी से होती है, यस। और
ब्रेकिंग ऑफ बोन्स, और बोन्स की कमी, आपको पता है बोन्स के लिए तो कैल्शियम ही होगा, ये तो चले कोई डाउट ही नहीं है किसी का। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सीक्वेंस क्या बना बोलिए? पहले बना 3, फिर आया 1, फिर आया 2 और फिर आया 4। 3 1 2 4, वेरी गुड। तो यहाँ पे बन जाएगा सीक्वेंस 3 1 2 4, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शंस बनते तो बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, तो ऑप्शन से मारने के लिए देते तो आप पक्का सही मारते आप लोग, है ना? यस यस। ए का सी, बी का 1, ए का 3, बी का 1, देन सी का 2 एंड डी का 4। यस करेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजिंग ऑफ टीथ, जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होती है ना, उसमें ब्लड जो आता है, ब्लीडिंग जो होता है, वो किसकी वजह से होता है, किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन डी, इसका बताइए। गम्स में जो ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों में, वो किसकी कमी के कारण होती है? सी, ओके। दांतों के लिए कौन सा चीज होता है? विटामिन सी होता है ना। सी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हो कि विटामिन सी बोल रहे हो, ये भी डाउट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। यस, विटामिन सी अगर बोल रहे हो तो सही हो, ठीक है। यस, विटामिन सी जो होती है आपके मसूड़ों के लिए, स्कर्वी वगैरह, स्कर्वी बोलते हैं ना। यस, आपका जो है स्कर्वी डिसीज बोला जाता है, विटामिन सी। यस, तो स्कर्वी होता है ना, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। यस, तो विटामिन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके यस। चलिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन, बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा या रिकेट्स? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यस गुड, वेरी गुड, यस टाइम अप। तो बिल्कुल सही, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, जो बच्चों में क्या होता है, जो बोन्स होती है ना, वो बोन्स डेवलप नहीं कर पाती, बोन्स वीक लूज इस तरह से हो जाती है, तो वो बीमारी क्या कहलाती है? वो बीमारी कहलाती है आपकी रिकेट्स, ठीक है। यस, तो रिकेट्स बोलते हैं, तो विटामिन डी की कमी से होती है आपकी रिकेट्स। नेक्स्ट आते हैं, अ वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव द विटामिन। अगर हम बताए कि आपका, अगर छिलके वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको धोने से कौन सी विटामिन जो है निकल जाती है, ठीक है, कौन सी विटामिन ज्यादा का लॉस होता है, ये आपको बताना है। ए विटामिन, बी विटामिन सी या विटामिन ई? सी, ओके। पील्ड वेजिटेबल्स, वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स द विटामिन। टाइम अप। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी, ठीक है। यस, विटामिन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो विटामिन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं स्कर्वी। स्कर्वी किसकी कमी से होती है, ये तो आप सब आंसर फटफट दोगे। स्कर्वी जो है ये किसकी कमी से होती है? स्कर्वी जो है किसकी कमी से होती है? बी, ओके, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। और बाकी स्कर्वी, विटामिन बी, अच्छा विटामिन बी, ओके। चलिए टाइम अप हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्कर्वी है, यस ये विटामिन सी, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल सही, विटामिन सी जो है इसकी कमी से होती है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर। तो विटामिन सी जो है इसकी कमी से होती है स्कर्वी।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। अच्छा, एज 14 साल तक के एज के बच्चों के लिए इनमें से क्या चीज जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। 14 साल तक के बच्चों के लिए इनमें से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिल्क। ए, ओके, ऑप्शन ए। ए, ओके, ओके, ए, टाइम अप, यस। तो अगर हम बात करें तो 14 इयर्स तक की एज के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? प्रोटीन, ठीक है? यस, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। B6 की कमी से, अगर हम पूछे B6 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या एनीमिया? विटामिन B6, अभी हमने मैच द फॉलोइंग में ये चीज देखी थी, तो जरा बताइए, तो विटामिन B6 जो मैच वाला क्वेश्चन था उसमें था ये विटामिन B6। डी, ओके, टाइम अप, बिल्कुल, विटामिन, यस। तो विटामिन B6 की कमी से जो है, की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो है एनीमिया। बिल्कुल सही, एनीमिया जो है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से होती है। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है कि एनीमिया कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, तो वो है आपकी विटामिन B6, ठीक है? यस, ये एनीमिया वाला चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अ मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज। कोई भी आदमी कलर ब्लाइंडनेस जिसको है वो रेड को किस किस कलर की तरह देखता है, ठीक है? ये आपको बताना है, वो रेड को किस कलर की तरह देखेगा? ब्लू, येलो, ग्रीन या वायलेट? कलर ब्लाइंडनेस है अगर किसी को, तो वो रेड को किस की तरह देखेगा? डी, ओके, सी, डी, टाइम अप। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन, ठीक है? उसको जो है रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं समझ में आता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको रेड और ग्रीन में डिफरेंस, तो दोनों उसको एक ही जैसे दिखते हैं, तो रेड ग्रीन की तरह इस तरह से दोनों सेम ही टाइप के दिखेंगे, तो इसलिए आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन, ठीक है? रेड और ग्रीन में उसको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने दिया, ये MCQs नहीं दिए हमने, आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, है ना? फादर ऑफ नेशन किनको बोला जाता है? चलिए ये बताइए हमको, फादर ऑफ नेशन जो है ये किनको बोला जाता है? अब आपका टाइमिंग होगा 15 सेकेंड। चलिए 14 सेकेंड ही रहेगा। फादर ऑफ नेशन किनको बोला जाता है? जस्ट आप टाइटल लिख देंगे तो भी चल जाएगा काम, फादर ऑफ नेशन। अगर हम बात करें तो फादर ऑफ नेशन किनको बोलते हैं? लास्ट क्लास हमने सब पढ़ाया है ना? यस, बिल्कुल सही, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी, महात्मा गांधी जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ नेशन। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे बोला जाता है? आधुनिक भारत का जनक। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोला जाता है? सब लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया है, इसमें हमने जानबूझ के MCQ नहीं दिया, देखिए कितने लोगों को याद है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किनको बोलते हैं? बिल्कुल, राजा राम मोहन रॉय, है ना? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है? तो राजा राममोहन रॉय जो है इनको बोला फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी, यानी लैंग्वेज पे बेस्ड जो डेमोक्रेसी थे, ये किनके द्वारा, इनके फादर किसको बोला जाता है? यस, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेस्ड, ठीक
ठीक है, यानी भाषा के आधार पर जो डेमोक्रेसी दी गई, वो इसके जनक जो है किसको माना जाता है, इसके जनक किसको किनको माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु जो है इनको माना जाता है। ठीक है, यस, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जनक किनको माना जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जनक किनको माना जाता है? ये तो पता होना चाहिए, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट टाइटल लिख दीजिए, पूरा नाम लिखने का जरूरत ही नहीं है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस बिल्कुल, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम बात करें तो बी आर अंबेडकर, यस बी आर अंबेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, बी आर अंबेडकर जी को जो है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, चलिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स, अब बताइए फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, वेरी गुड, चलिए बिल्कुल, जस्ट आप थोड़ा सा भी लिख देंगे नाम का तो भी चलेगा। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किनको माना जाता है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो ये जो है माना जाता है एम जी रानाडे को। ठीक है, एम जी रानाडे जो है इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, नो एडम स्मिथ नहीं, इंडियन, ये इंडियन का हम देख रहे हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सब इंडियंस का देख रहे हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म, सुधार के लिए, मॉडर्न इकोनॉमिक सुधार रिफॉर्म यानी मॉडर्न सुधार के लिए किसको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म? यस, तो ये माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, यस, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म, फादर ऑफ न्यूक्लियर और एटॉमिक प्रोग्राम, फादर ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक प्रोग्राम किनको माना जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक प्रोग्राम, तो फादर ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक प्रोग्राम का अगर बात करें तो ये किनको माना जाता है? होमी जे भाभा। ठीक है, होमी जे भाभा इनको माना जाता है। एंड फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम अगर पूछे तो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम किनको माना जाता है? फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, यस, होमी जहांगीर भाभा, और फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम किनको माना जाता है? फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, चलिए तो स्पेस प्रोग्राम जो है विक्रम साराभाई। ठीक है, यस, विक्रम साराभाई जो है इनको माना जाता है फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, यस, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम जो है विक्रम साराभाई जो है इनको माना जाता है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम, ये तो पता ही होगा, फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम अगर बात करें तो ये किसको माना जाता है? फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम तो ये माना जाता है, यस, एपीजे अब्दुल कलाम।
बिल्कुल सही, एपीजे अब्दुल कलाम जो है इनको माना जाता है फादर ऑफ कॉमिक बुक्स का बात करें तो फादर ऑफ कॉमिक बुक जो है ये किसको माना जाता है? फादर ऑफ कॉमिक बुक, यस बिल्कुल, कॉमिक बुक का अगर बात करें तो अनंत पाई है ना, फादर ऑफ कॉमिक बुक्स जो है ये माना जाता है अनंत पाई को, यस। देन फादर ऑफ ज्योग्राफी अगर हम बात करें तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किन को बोला जाता है? यस, फादर ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट, फादर ऑफ सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किनको माना जाता है? अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा अगर हम बात करें तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा जो है ये किनको माना जाता है? इन दादा साहेब फाल्के, ये तो पता ही होगा। ठीक है, दादा साहेब फाल्के जो है इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा जो है माना जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट रिवोल्यूशन, ठीक है, जो आंदोलन हुए थे डिफरेंट उनके बारे में, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इस तरह से रिवोल्यूशन जो ब्लू रिवोल्यूशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फादर ऑफ रिवोल्यूशन जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इनका लिस्ट पहले देख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमारा क्वेश्चन जो होगा वो इसके ऊपर होगा, नेक्स्ट वीक जो है हम इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको लेके हुई थी? एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि खेती। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है एग्रीकल्चर को लेके हुई थी और फादर किसको बोला जाता है इंडियन? एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, इसके जो फादर है बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो हरित क्रांति जो है ये एग्रीकल्चर में क्यों लेके हुई थी और इसके जो फादर है वो माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। देन आते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड जो है आपका बफरिंग, चलिए अब ठीक है, चलिए व्हाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड ये आपका मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दूध को लेके हुई थी। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है, यस, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन को, तो ये जो है, यस, तो ये जो है आपका बिल्कुल, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। और वर्गीज कुरेन, ये आपको पता होगा, वर्गीज कुरेन जो है ये फादर ऑफ रिवॉल्यूशन माने जाते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन के, वर्गीज कुरेन जो है इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन माना जाता है और व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके होती है। ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें क्योंकि इस पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू मतलब पानी, फिश एंड एक्वा है ना, यानी फिशेस का आप बोल सकते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, और अरुण कृष्णन जो है फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन माने जाते हैं। तो अरुण कृष्णन फिश को लेके है ब्लू रेवोल्यूशन, ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि ये रेवोल्यूशन किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये रेवोल्यूशन किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसको लेके आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। देन गोल्डन रिवोल्यूशन का बात करें तो गोल्डन, गोल्डन का मतलब हनी, मेनली यहाँ पे हनी आपका होगा, हनी फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चर्स जो होते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये तो मेनली आप यहाँ पे हनी के प्रोडक्ट को समझिएगा, ठीक है, गोल्डन, ठीक है, हनी। सिल्वर रिवॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो ये किसको लेके? एग को लेके, ये आपका याद रखिएगा इंदिरा गांधी, ठीक है, यस, एग्स को लेके। येलो रिवॉल्यूशन अगर बात करें तो ऑयल सीड्स, जो तेल वाले जो सीड्स होती हैं, ऑयल सीड्स जो होती हैं वो, ठीक है। देन पिंक रिवॉल्यूशन का बात करें तो पिंक रिवॉल्यूशन जो है प्याज, प्रॉन्स, ठीक है, इन सबको लेके होते, फार्मास्यूटिकल्स, इन सारी चीजों को लेके पिंक रिवॉल्यूशन हुई थी। तो ये लिस्ट देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर, व्हाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड दूध या फिर दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश को लेके है, गोल्डन हनी को लेके है, सिल्वर
एग, येलो ऑयल सीड्स, पिंक रिवॉल्यूशन जो है वो फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉन्स या ऑनियंस, ठीक है? तो इनको लेके होता है आपका पिंक रिवॉल्यूशन, बिल्कुल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्राउन रिवॉल्यूशन पे। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है आपका, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर, ठीक है? ब्राउन सिल्वर नहीं, वर्ष गलत है, 1900s में होगा, ठीक है? इसलिए ईयर हम नहीं बोल रहे हैं, ब्राउन रेवोल्यूशन, ठीक है? ब्राउन रेवोल्यूशन जो है, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर और कोको, ठीक है? ब्राउन रेवोल्यूशन जो है आपका लेदर एंड कोको, लेदर, ठीक है, चमड़े और जो कोको जो है, जिस कॉफी वगैरह बनती है तो कोको से, ठीक है? बिल्कुल। देन रेड रेवोल्यूशन पे आया, तो रेड मीट और टोमेटो, ठीक है? रेड रेवोल्यूशन जो है ये आपका मीट एंड टोमेटो से रिलेटेड है। देखिए कलर के ऊपर बहुत चीजें पता चल जाएंगी। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, देखिए एक था आपका गोल्डन रिवोल्यूशन, याद रखिएगा, जब गोल्डन रिवोल्यूशन बोलेगा तो हनी, शहद, ठीक है? और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन बोलेगा तब आपका आंसर हो जाएगा जूट, ठीक है? तब आपका आंसर होगा जूट, इसको याद रखिएगा। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, एवरग्रीन का मतलब है ओवरऑल जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जितनी भी खेती से, खेत से होने वाली चीजें, उन सब का। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी एम एस स्वामीनाथन ही है, ठीक है? और ये सारे खेती के। ब्लैक रिवोल्यूशन, ये आपका पेट्रोलियम, ठीक है? ब्लैक रिवोल्यूशन जो है ये आपका पेट्रोलियम। और सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन जो है आपका, वो किस, सिल्वर फाइबर देखिए, कॉटन। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग है, और सिल्वर फाइबर का बात करेगा तो कॉटन पे आ जाइएगा, ठीक है? यानी कि सिल्वर व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो राउंड रिवॉल्यूशन जो है वो पोटैटो, ठीक है? राउंड रिवॉल्यूशन जो है ये किसके लिए है, ये पोटैटो के लिए हुआ। और प्रोटीन रिवॉल्यूशन भी आपका एग्रीकल्चर के लिए ही हुआ है, ठीक है? प्रोटीन रिवॉल्यूशन कॉइंड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है? कॉइंड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रोटीन रिवोल्यूशन, ठीक है? हाई प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे प्रोटीन रिवोल्यूशन का मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन करना, ठीक है? ग्रे रिवोल्यूशन, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर, खाद, ठीक है? ग्रे रिवोल्यूशन जो है ये खाद के लिए आया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो देखिए ग्रे रिवोल्यूशन का अगर हम बात करें, तो ग्रे रिवोल्यूशन जो है आपका वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रे रिवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर, प्रोटीन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाना। राउंड रिवोल्यूशन जो है ये पोटैटो। हम नेक्स्ट टाइम फिर आपको ये वाला पार्ट दे देंगे, ठीक है? और फिर उसके सामने आपको फिल करना होगा नेक्स्ट डे जब क्लास होगी, तो इसलिए ध्यान से समझ लेना। प्रोटीन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करना, राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो, सिल्वर फाइबर मतलब कॉटन, ब्लैक रिवोल्यूशन का मतलब हो गया पेट्रोलियम, और एवरग्रीन मतलब सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ओवरऑल। गोल्डन फाइबर बोलेगा तो जूट, और रेड रिवोल्यूशन बोलेगा तो मीट एंड टोमेटो, ब्राउन बोलेगा तो लेदर और कोको हो जाएगा आपका, ठीक है? ग्रीन तो एग्रीकल्चर हो जाएगा, व्हाइट आपका मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, ब्लू रिवोल्यूशन आपका फिश हो जाएगा, गोल्डन फ्रूट्स, हनी, ये सारे, सिल्वर मतलब एग हो जाएगा आपका, येलो रिवोल्यूशन मतलब ऑयल सीड्स हो जाएंगी, पिंक का मतलब हो गया आपका ऑनियन, प्रॉन या फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है? ये सारे आपके कहलाएंगे पिंक रिवोल्यूशन। तो इन पॉइंट्स को बस ध्यान रखिएगा, ये 16 रिवोल्यूशंस हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? तो ये आपके टोटल लिस्ट हो गए आपके रिवोल्यूशंस के। तो ये क्वेश्चन आपका कहीं भी पूछ सकता है, चाहे आप रीजनिंग के सेक्शन में चले जाओ वहां पूछ लेगा, जीके के सेक्शन में चले जाओ वहां पूछ लेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी आपके एनटीपीसी बोल लीजिए, चाहे आप एसआई बोल लीजिए, चाहे आप बीपीएससी बोलिए, इन सारे एग्जाम्स के लिए जो है आपका ये रिवोल्यूशंस इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा एक और टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस। तो यहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को लेके भी जो है क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को लेके अगर हम देखें, तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्या है, तो वहां पे उनके यूजेस, ये इंस्ट्रूमेंट किस काम में यूज होता है, ये इंस्ट्रूमेंट किस काम में यूज होता है। तो ये आपने देखा होगा बीपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है, तो जहां साइंस है वहां इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, ठीक है? तो ऑल्टीमीटर, ऑल्टीमीटर जिसे बोलते हैं, एल्टीट्यूड, ऑल्टीमीटर है ना, यूज इन एयरक्राफ्ट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड, तो नाम ही में है इसका। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट में यूज किए जाते हैं एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए, यानी कि एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, है ना, उसको मेजर करने के लिए ऑल्टीमीटर नाम में ही है, लेकिन ये कहाँ यूज किया जाता है, तो याद रखिए एयरक्राफ्ट में, ठीक है? एम मीटर,
एम मीटर आपको पता होगा, एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट ही है एम्पेयर, तो एम मीटर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो होता है वो विंड का डायरेक्शन, हवा की का जो डायरेक्शन है कि या गति है या प्रेशर है, इनको पता लगाने के लिए, जो दाब गति और उसकी दिशा, इन चीजों को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है एनीमोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर, नाम में ही ऑडियो मतलब हो गया साउंड, तो साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं ऑडियोमीटर। तो ऑल्टीमीटर एयरक्राफ्ट में यूज होता है एल्टीट्यूड पता लगाने के लिए, एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट, एनीमोमीटर विंड डायरेक्शन स्पीड एंड प्रेशर, ऑडियोमीटर साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, बैरोग्राफ, बैरोग्राफ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि ग्राफ है ये, और बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, बैरोमीटर। बाइनोकुलर तो आपको पता ही है, बाइनोकुलर्स जो है इसको यूज किया जाता है, और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दूर की चीजों को देखने के लिए, है ना, तो बाइनोकुलर्स जो है इसको यूज किया जाता है दूर की चीजों को देखने के लिए। इसका कोई आपको याद ही होगा सबको, बोलोमीटर अगर बात करें तो बोलोमीटर जो है मेजर किया जाता है इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती है इसको मेजर किया जाता है बोलोमीटर से। ठीक है, तो बोलोमीटर का यूज किसमें होता है, बोलोमीटर का यूज होता है इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है इनको मेजर करने के लिए यूज होता है बोलोमीटर। तो बैरोग्राफ, बैरो एटमोस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग के लिए यूज, रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है बैरोमीटर, उनको मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। बैनोक्युलर्स जो होती हैं वो आपको दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है, और बोलोमीटर जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस को देखने के लिए जो है यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं कैलिपर्स। कैलिपर्स का बात करें तो ये डायमीटर ऑफ थिन सिलेंडर और वायर, तो थिन वायर या सिलेंडर का डायमीटर नापने के लिए कैलिपर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो वो ये आपका मेनली आपका फिजिक्स लैब वगैरह में आपको दिखेंगे। कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर जो होता है इसका मेजर किया जाता है हीट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, कार्बोरेटर तो आपको पता ही होगा, कार्बोरेटर गाड़ी वगैरह में होता है, तो यूज फॉर चार्जिंग एयर विथ पेट्रोल वेपर्स इन एन इंटरनल कंबशन इंजन, तो इंजन में आपको ये चीजें दिखती है कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर पता ही है। कार्डियोग्राम, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं ना, तो ईसीजी, तो ये आपका हार्ट रेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो और जो उसकी रिकॉर्डिंग्स होती है उसको ग्राफ बोलते हैं, यानी कार्डियोग्राफ बोला जाता है। ठीक है, कैथेटोमीटर, कैथेटोमीटर हाइट एंड लेवल्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। तो क्रोनोमीटर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रोनोमीटर में आप लॉन्जिट्यूड ऑफ अ वेसल एट सी, किसी भी चीज का लॉन्जिट्यूड आप नापते हो सी में। ठीक है, सिनेमेटोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ जो है इसका यूज किया जाता है प्रोजेक्टिंग अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे किसी पिक्चर्स को प्रोड्यूस करने के लिए सिनेमेटोग्राफ यूज किया जाता है। और कोलोरीमीटर, कोलोरीमीटर कलर्स, कलर से ही आया है कोलोरीमीटर, कैलोरीमीटर नहीं है ये, कोलोरीमीटर है। ठीक है, तो कोलोरीमीटर जो है कलर्स को, इंटेंसिटी ऑफ कलर्स जो है इनको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। देन आते कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का अगर बात करें तो यूज इन जनरेटर्स टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो कम्यूटेटर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर ये आपने देखा होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसकी डायरेक्शन को उल्टा करने के लिए जो है कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। देन क्रेस्कोग्राफ का बात करें तो क्रेस्कोग्राफ जो होता है ये पेड़ पौधे जो है उनका ग्रोथ जो होता है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है क्रेस्कोग्राफ, जगदीश चंद्र बोस जो है इसको फाउंड किए थे। क्रायोमीटर का बात करें तो ये लो टेम्परेचर, ठीक है, जो कम टेम्परेचर होती है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और साइक्लोट्रॉन जो है इसको यूज किया जाता है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स इन माइक्रोवेव ऑसिलेटर, तो इसको यूज किया जाता है चार्ज पार्टिकल्स इन माइक्रोवेव ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट आते हैं डायलेटोमीटर, डायलेटोमीटर किसी भी चीज के वॉल्यूम को, डायलेटोमीटर जो होता है ये वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, वॉल्यूम पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। डायनामो बहुत बार पूछा गया है, डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर का बात करें तो मेजर वेरी स्मॉल बट पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, इलेक्ट्रोमीटर बहुत ही कम पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मेजर करता है, बहुत स्मॉल पोटेंशियल, पोटेंशियोमीटर होता है वैसे, है ना, इलेक्ट्रोमीटर
तो वही पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मेजर, इलेक्ट्रोस्कोप का बात करें तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आपको पता होगा कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज किया जाता है। एंडोस्कोप इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंडोस्कोप जो है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए यूज किया जाता है। और फैथोमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फैथोमीटर का यूज किया जाता है ओशियन के डेप्थ के लिए, ठीक है। फैथोमीटर का यूज किया जाता है ओशन के डेप्थ को मेजर करने के लिए। फ्लक्स मीटर नाम में ही है इसका, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है फ्लक्स मीटर, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर तो पता ही होगा, ये भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ग्रामोफोन रिप्रोड्यूसिंग रिकॉर्डेड साउंड, जो रिकॉर्डेड साउंड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए ग्रामोफोन यूज किया जाता था। और हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, यस, लिक्विड की डेंसिटीज जो होती है उसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज ही किया जाता है। और हाइड्रोफोन नाम में है ना, हाइड्रो मतलब पानी और फोन यानी साउंड, तो मेजर साउंड अंडर वाटर, तो वाटर में जब साउंड मेजर करना होता है तो हाइड्रोफोन यूज किया जाता है। तो हाइड्रो जहां पे यूज हो रहा है वहां पे हाइड्रो का मतलब लिक्विड रिलेटेड हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे तो हाइड्रोमीटर जो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स को मेजर किया जाता है, और हाइड्रोफोन से जो है साउंड मेजर साउंड अंडर वाटर। नेक्स्ट आते हैं हाइग्रोमीटर, अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर की तो हाइग्रोमीटर का क्या यूज है, हाइग्रोमीटर जो है इसका क्या यूज है अगर बात किया जाए तो हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट और द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और एनी गैस। तो ये हाइग्रोमीटर बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये आपका ह्यूमिडिटी को बस इतना याद रखो, तो ये किसके लिए यूज किया जाए, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, ठीक है। और हाइग्रोस्कोप अगर बात करें तो चेंज इन एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी में चेंजेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोस्कोप, ठीक है। और हिप्सोमीटर का बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको मेजर किया जाता है। और लैक्टोमीटर आपको पता होगा प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की शुद्धता, इसके लिए यूज किया जाता है लैक्टोमीटर, ठीक है। तो लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है मिल्क की शुद्धता इसको मापने के लिए। मैच मीटर, मैच मीटर जो है ये एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ पे एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ साउंड तो इतना, ठीक है। मैनोमीटर का अगर बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स एंड फील्ड्स, मैनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है, यस। और एक और है यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हो, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का बात करें तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन, ये साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस जो होती है उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस में, ठीक है। माइक्रोफोन, नेक्स्ट आते हैं माइक्रोफोन पे, तो माइक्रोफोन जो है ये कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो माइक्रोफोन जो है ये क्या करता है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। और माइक्रोस्कोप जो है ये मैग्निफाई करता है, ये तो आपको पता ही है। नेफेटोमीटर, नेफेटोमीटर जो है ये क्या करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेजर करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, ठीक है। एक लिक्विड में जो पार्टिकल्स रहते हैं उसके थ्रू कितना स्कैटरिंग हो रहा है लाइट का, ये नेफेटोमीटर यूज यूज किया जाता है। और ओडोमीटर तो आपको पता है गाड़ियों में यूज किया जाता है डिस्टेंस के लिए, ठीक है, यस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है गाड़ियों में जो डिस्टेंस के लिए रहता है उसी को बोलते हैं हम ओडोमीटर। और ओम मीटर आपको पता होगा रेजिस्टेंस, ओम क्योंकि यूनिट है। और ओंडोमीटर जो है ये फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स जो होती है इनकी फ्रीक्वेंसी के लिए। ऑप्टोमीटर जो होता है रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, आई का रिफ्रैक्टिव पावर जो होता है उसके लिए ऑप्टोमीटर, ठीक है। एंड ओटोस्कोप जो है विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम का जो विजुअल एग्जामिनेशन होता है कान का तो उसके लिए यूज किया जाता है ऑटोमीटर। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप आपको पता होगा इसका यूज किया जाता है सी लेवल से ऊपर की तरफ, ये सबमरीन में मेनली यूज किया जाता है, तो सी लेवल से ऊपर की तरफ जो चीजें होती है उसको देखने के लिए। और फोनोग्राफ जो है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। फोटोमीटर जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्सेस ऑफ लाइट कंपेयर करने के लिए। पॉलीग्राफ आपको पता होगा पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाता है, तो
ये रिकॉर्ड करता है आपका हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर में चेंज, रेस्पिरेशन, लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होता है उसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट बोला जाता है। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है, जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आप आंसर करें तो उस टाइम वो आपके हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन सबकी रिकॉर्डिंग्स करता है, तो ये होता है आपका पॉलीग्राफ। पायरहेलियोमीटर, पायरहेलियोमीटर जो है ये यूज किया जाता है सोलर रेडिएशन, इसके हेल्प से क्या मेजर किया जाता है, सोलर रेडिएशन। और पायरोमीटर जो है बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, पायरोमीटर। ठीक है, क्वाड्रेंट मेजर ऑल्टीट्यूड्स एंड एंगल्स इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी। रडार, रडार का यूज होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म भी है। और रेन गॉज आपको मेजर करता है रेनफॉल, रेनफॉल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है रेन गॉज। ठीक है, और रिफ्रैक्टोमीटर यूज किया जाता है सैलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की सैलिनिटी कितनी है इसके लिए मेजर किया जाता है रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट जो होता है यूज बाय नेविगेटर्स, जो नेविगेटर्स होते हैं उनके द्वारा इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है मेजरिंग द एलिवेशन अबव द होराइजन ऑफ द सन और अनदर स्टार, ऑल्सो यूज टू मेजर द हाइट ऑफ वेरी डिस्टेंट, तो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी हाइट मापने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिस्मोग्राफ, तो आपको पता ही है अर्थक्वेक्स, अर्थ वेव्स जो होते हैं उनको मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रम। ठीक है, और स्पीडोमीटर, स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर डिस्टेंस था, वैसे स्पीडोमीटर स्पीड के लिए। ठीक है, स्फेरोमीटर जो होता है कर्वेचर, कर्वेचर को नापने के लिए होता है, किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो है कर्वेचर्स जो होती हैं उनको मेजर करने के लिए, जो कर्वेचर्स होती हैं उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और स्फिग्मोमैनोमीटर, तो आपको पता ही है स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर के लिए जो डॉक्टर्स यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट उसी को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप आपको पता है हार्ट बीट। और टैकोमीटर का बात करें तो टैकोमीटर जो होता है स्पीड किसका, स्पेशली द रोटेशनल स्पीड ऑफ अ शाफ्ट, तो रोटेशनल स्पीड मेजर करने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है डायरेक्ट करंट का अमाउंट, डीसी का अमाउंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका टेलीस्कोप, जो आपको पता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। थर्मोमीटर ये आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, थर्मोस्टेट अगर बात करें टेम्परेचर रेगुलेट करता है थर्मोस्टेट। एंड टोनोमीटर का बात करें तो साउंड, टोन मतलब आपको समझ में आ गया हो, साउंड से रिलेटेड है, पिच, साउंड के पिच को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है टोनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आपको पता है कन्वर्टिंग हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर जो होता है ये क्या करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसपोंडर का बात करें तो ट्रांसपोंडर जो है रिसीव अ सिग्नल एंड ट्रांसमिट अ रिप्लाई इमिडिएटली इन सैटेलाइट्स। ट्रांसपोंडर क्या करता है, ये सिग्नल रिसीव करता है और रिप्लाई भी करता है सैटेलाइट्स के थ्रू। वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर जो होता है लिक्विड का फ्लो का स्पीड जो है, एक लिक्विड कितने स्पीड से फ्लो कर रही है इसको नापने के लिए वेंचुरीमीटर यूज होता है। और वर्नियर जो है मेजर स्मॉल सब डिविजन ऑफ स्केल, स्केल के जो सब डिविजन होते हैं उसको नापने के लिए किया जाता है वर्नियर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका यूज हो जाता है विस्कोमीटर, तो आपको पता चल गया होगा विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी मेजर करने के लिए विस्कोमीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस। वॉट मीटर, वॉट किसका होता है पावर का, तो इलेक्ट्रिक पावर है ना। और वेव मीटर का अगर हम बात करें तो वेव लेंथ, वेव नाम में ही है, वेव लेंथ किसका, रेडियो वेव का। ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसके लिए यूज किया जाता है, तो रेडियो वेव जो होती है इनकी फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए यूज किया जाता है वेव मीटर। नाम से ही बहुत कुछ है, विस्कोमीटर विस्कोसिटी, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, वॉट मीटर पावर, और वेव मीटर जो होता है वो रेडियो वेव्स, इन सबको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो आज जो नेक्स्ट क्लास आपका होने वाला है वो होगा आपका अनअकैडमी ऐप पे 2 बजे, ठीक है, 2 PM पे। यहाँ पे हम SI का जो है पेपर सॉल्व करवाएंगे, बिहार SI का, 2 PM पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिहार SI का पेपर सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद 6 PM पे होगी आपकी क्लास, ठीक है। और ऐप पे फ्री क्लासेस के लिए आपसे कोड मांगता है, तो वहां पे आप ये कोड यूज करेंगे, बिल्कुल SHIPRA, इस कोड को आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। जब कहीं भी अगर क्लासेस देखने के लिए आपसे कोड मांगे तो आप इस कोड को यूज कर सकते हो। 6 PM पे आपकी क्लास होगी, ठीक है, ये आपका BPSC का सेट होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट होगा 8 PM पे,
यहाँ पे हम करंट अफेयर्स का करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स में जो है आपका दिसंबर का करंट अफेयर्स का होगा, ठीक है। तो ये तीन क्लासेस हैं आज ऐप पे, तो 2 बजे है, 6 बजे है और 8 बजे है, तो जरूर इन क्लासेस को आप लोग अटेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अनअकैडमी का अगर आप प्लस क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि प्लस क्लास में आपके बहुत सारे बैचेस जो है, चाहे आप बीपीएससी को, एसआई को, जिसको भी एग्जाम को टारगेट करेंगे, बिहार के सारे एग्जाम्स के लिए स्पेशल बैचेस चल रही है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही है, तो काफी कुछ क्लासेस आपको करने को मिलेंगे, और काफी कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह जो है आपको मिल जाएंगे, सब पैकेज आपको उसी में मिलेगा। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप इस कोड को जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। 8800 उसकी फीस है, तो अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो वहां पे आपका जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 79 समथिंग आपका जो है फीस हो जाएगा, ठीक है। यस, 7900 अप्रोक्स जो आपकी फीस हो जाएंगे तब, तो अगर आप इस कोड को यूज करते हो, इस कोड को यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, अगर आप प्लस देना चाहते हो, और फ्री वीडियोस देखने के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हो, SHIPRA। यस, चलिए थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे YouTube पे, कल 12 बजे आपकी क्लास होगी, SI का कल भी आपका फुल लेंथ 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, ठीक है। कल आपकी 12 बजे जो है फुल लेंथ का टेस्ट होगा, और आज पहले 2 बजे, 6 बजे और 8 बजे आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिन लोगों ने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया वो लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया, यस गुड आफ्टरनून, तो वो लोग इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले, और नेक्स्ट क्लास 2 बजे की क्लास जो आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं 2 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, फ्री क्लासेस, और क्लासेस के लिए आप फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे शिप्रा सिंह, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।